बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ मैंने चॉकलेट चिप्स कुकीज़ ट्राई किए थे, अपनी फ्रेंड के घर गई थी और वहाँ पे मैंने बेक किए हैं तो, और बहुत ही टेस्टी बने थे। तकरीबन इसका एक बॉल हम लोगों ने 47 ग्राम का लिया था और ये कुकी 47 ग्राम का था और बहुत ही टेस्टी बने थे। बहुत ही अच्छी आसान रेसिपी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, और आप लोग भी ज़रूर बेक करें घर में बच्चों के लिए। बहुत टेस्टी है, बहुत इजी टू मेक है और बस मेजरमेंट थोड़ी सी बेकिंग में होता है, मेरी नज़र में अकाउंटेबल होती है। और ये बहुत टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बहुत इजी है। मैंने इसमें लिए थे 2 अंडे लिए थे और फिर मैंने उसमें 1 कप चीनी, 1 कप ब्राउन शुगर ली थी, 1 कप ही मैंने उसमें बटर लिया था, मेल्टेड बटर था, और 1 पिंच सॉल्ट थी, ठीक है, वनीला। फिर मैंने इसमें 1/2 स्पून वनीला एसेंस का डाला था और फिर साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के ऐड किए थे। और फिर उसको अच्छे से 3 कप मैदे के साथ छानने के बाद मैंने गूंद लिया था। और इसमें चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही थी तो चॉकलेट चिप्स तो ऐड करने ही थे। देखें, साथ साथ मैं अपना किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ, अपना नहीं बल्कि सॉरी अपनी बेस्ट फ्रेंड का किचन क्लीन कर रही हूँ, और चाय भी बना रही थी साथ साथ। और सोचा कि कुकीज़ जब बेक होंगे तो सब तक चाय भी बन जाएगी, और साथ साथ हम चाय बना रहे थे, साथ साथ मैं किचन में जो मेस क्रिएट किया था उसको क्लीन अप कर रही थी, क्योंकि फिर घर भी जाना था, मगरिब की अजान होने वाली थी तो मैं इनका अपनी फ्रेंड की हेल्प भी कर दूँ। और इलेक्ट्रिक ओवन इनका, मैं इन्हीं के घर आती हूँ बेकिंग का जब मूड होता है तो बहुत मेरी हेल्प करती हैं, ये बहुत नाइस है माशाल्लाह से। इनकी बेटी भी काफ़ी हेल्पफुल है, मेरी काफ़ी मदद करती हैं, और इनफैक्ट मुझे बेकिंग आती भी नहीं है, मैं इनसे ही सीख रही हूँ। लेकिन रेसिपी अच्छी थी तो मैंने कहा क्यों ना यूट्यूब पर डालूँ और अपनी सारी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर रहे हैं आप लोग चैनल को, और मेरी चाय भी बहुत आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। काइंडली शेयर माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।